मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने एक अप्रिसिएशन पोस्ट शेयर किया है अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण के लिए। बता दें कि हाल ही में दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां रिलीज हुई, जिसके बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म को अप्रिशिएट करते हुए दीपिका पादुकोण के लिए ये पोस्ट शेयर किया। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दोनों बीच पर हैं और किस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पिक्चर उनकी वेकेशन की है, जहाँ हम दीपिका पादुकोण को एक लूज व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए देख सकते हैं और रणवीर सिंह इस पिक में शर्टलेस है। इस पिक को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी गहराइयां में, वो परफॉर्मेंस काफ़ी मास्टर क्लास थी और काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट्री थी। साथ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की दीपिका पादुकोण की इस पोस्ट में। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की अगली फिल्म नितेश तिवारी के साथ होने वाली है। बता दें कि इसी के चलते साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म के लिए देवी श्री प्रसाद को एज म्यूजिक डायरेक्टर ला रहे हैं। वरुण धवन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म को करने के लिए नितेश तिवारी के साथ। वरुण धवन, साजिद नाडियाडवाला और नितेश तिवारी साथ में इस प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करने जा रहे हैं और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। मल्टीपल लोकेशंस पर ओवर 3 मंथ्स तक इस फिल्म की शूटिंग होगी। रिपोर्टेडली ऐसा बताया जा रहा है कि अब म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद इस फिल्म के म्यूजिक को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि आइसिंग ऑन द केक होने वाला है। बॉक्स ऑफिस एक बार फिर एक्शन मोड में जा चुका है, एज यस्टरडे राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 रिलीज हुई। ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी कल, लेकिन बता दें कि इस फिल्म ने एक स्लो स्टार्ट लिया है। इस फिल्म की अगर फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो वो है ₹1.2 करोड़ से लेकर ₹1.4 करोड़ तक। ये फिगर्स जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, काफ़ी स्लो स्टार्ट हुआ है इस फिल्म का, लेकिन बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म और भी अच्छा कर सकती है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे करके ये फिगर्स चेंज हो जाए और बढ़ते रहे। बधाई 2 डील करता है विद LGBTQ सब्जेक्ट, जो काफ़ी ज़्यादा टैबू सब्जेक्ट माना जाता है अभी भी इंडिया में। जब से कर्नाटका में हिजाब कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है, तब से कई सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन्होंने इस पर बात की है, जैसे कि ऋचा चड्ढा, जावेद अख्तर और हेमा मालिनी, और अब सोनम कपूर वन ऑफ द न्यूएस्ट सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि टर्बन कैन बी अ चॉइस बट हिजाब कांट। ये फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस को पता नहीं था कि उसके बाद वो कितना मैसिव बैकलैश जो है उसे क्रिएट करने वाली है, जिसके बाद कई सारे नेटिजन्स ने उनको ट्रोल किया, स्लैम किया, और वहीं सोनम कपूर ने अपना ये जो पोस्ट है उसे डिलीट ही कर दिया। इससे पहले भी सोनम कपूर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई हैं नेपोटिज्म को लेकर। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नौरा फतेही अपने करियर के इस फेज को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। उनका लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो गुरु रंधावा के साथ डांस मेरी रानी हाल ही में वायरल गया था और अब नौरा जो है पॉपुलर प्रोड्यूसर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स की लिस्ट में आ चुकी हैं। नौरा अब कई सारे मूवीज़ में भी फीचर करती हुई नज़र आएंगी। बताया जा रहा है कि नौरा एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं अनिल कपूर के साथ। एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि नौरा को कई सारे ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है अनिल कपूर के साथ, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और अभी इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स सामने नहीं आए हैं, जो कि बहुत जल्द अनाउंस कर दिए जाएंगे। रवि टंडन, जिन्होंने डायरेक्ट किया था फिल्म जैसे कि मजबूर, खेल खेल में 1970s और 1980s में वो काफ़ी बड़े बॉक्स ऑफिस के बिगी माने जाते थे। बता दें कि फ्राइडे के दिन अपने मुंबई के रेजिडेंस में उनका देहांत हो गया। वो 86 ईयर्स के थे और वो सफ़र कर रहे थे लंग फिब्रोसिस के चलते। बता दें कि कुछ साल पहले उनको ये कंडीशन डिटेक्ट हुई थी रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। 3:30 AM में उनकी फैमिली ने उनको डेड घोषित किया था। बता दें कि वो रवीना टंडन के पिताजी थे। रवीना टंडन ने लिखा, यू विल ऑलवेज वॉक विद मी, आई विल ऑलवेज बी यू, आई एम नेवर लेटिंग गो, लव यू पापा। उन्होंने ये ट्वीट शेयर किया सोशल मीडिया पर और उनके लास्ट राइट्स भी कम्प्लीट किए।
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम के बैक टू बैक एक्शन फिल्में आ रही हैं। बल बता दे कि उनकी एक और एक्शन फिल्म आने वाली है। जॉन अब्राहम ने फोर्स के राइट्स एक्वायर कर लिए हैं विपुल शाह से और अब वो बिल्कुल रेडी है फोर्स 3 बनाने के लिए। बहुत जल्द वो फोर्स 3 लेकर सामने आने वाले हैं। सब कुछ अगर प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। जॉन अब्राहम को हम अक्सर एक्शन फिल्मों में देख सकते हैं और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बैक टू बैक एक्शन फिल्मों के लिए माने जाते हैं जॉन अब्राहम। देखना ये है कि फोर्स में वो क्या नई स्टोरी लेकर आते हैं और क्या नई चीज़ लेकर आते हैं। कॉमेडी फिल्म ड्रीम गर्ल में हमने आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा को मेन रोल में देखा था और बता दे कि इस फिल्म ने हमें खूब हंसाया था। फैंस को ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि ड्रीम गर्ल 2 बनने वाला है। जी हाँ, ड्रीम गर्ल की टीम रीयूनाइट हो रही है एक बार फिर इस फिल्म के सीक्वल के लिए, ड्रीम गर्ल 2 के लिए। आयुष्मान खुराना ओरिजिनल फिल्म के चलते इस फिल्म में भी नजर आएंगे। अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आयुष्मान खुराना के साथ इस फिल्म में फीमेल लीड के रोल में कौन सी एक्ट्रेस नजर आने वाली है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 2022 के सेकेंड हाफ से शुरू कर दी जाएगी। इस फिल्म की जो स्टोरी होगी वो और भी ज्यादा कॉमेडी और हंसाने वाली होगी। हमने कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स की शादी को देखा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अवेटेड शादी मानी जा रही है बॉलीवुड में वो है इस वक्त रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से डेट करते आ रहे हैं और आए दिन हमें ये रिपोर्ट्स भी सुनने को मिलती हैं कि रणबीर और आलिया बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन इसकी कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन अब तक सामने नहीं आई है। वेल, रणबीर और आलिया के फैंस तो यही चाहते हैं कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर ले, क्योंकि दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने इस बारे में बात की और कहा कि उनके मन में तो उनकी शादी ऑलरेडी रणबीर कपूर से हो चुकी है। उन्होंने कहा, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू रणबीर कपूर इन माई हेड। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने हाल ही में एक मैगजीन कवर के लिए फोटोशूट किया था और अब जाकर उन्होंने ये कवर अपने सोशल मीडिया, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें हम उनको कवर पर देख सकते हैं ऑरेंज कलर की बिकिनी में। साथ ही में उन्होंने कई सारे गोल्ड एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया है। उन्होंने गोल्ड नेकलेस पहना है और गोल्ड ब्रेसलेट्स भी पहने हैं। इसमें रकुलप्रीत सिंह की हम टोन्ड बॉडी देख सकते हैं। इस मैगजीन कवर में रकुलप्रीत काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग और ग्लैमरस नज़र आ रही हैं और इस बिकिनी को उन्होंने कंप्लीट किया एक जैकेट के साथ। ये जैकेट काफ़ी ज़्यादा शीक लुक दे रहा है। रकुलप्रीत ने ये कवर फोटो शेयर करने के साथ साथ लिखा, ग्रेसिंग द फेब्रुअरी कवर ऑफ ट्रैवल पीकॉक मैगजीन, हैड सुपर फन शूटिंग दिस कवर। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज़ और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी का।